सभी देख रहे हैं राजवीर इन्फो। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के शुरू में बात करेंगे भारत सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया अपडेट आ रही है। अगर आप सभी फ्री में सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं बात की है तो किस विभाग की तरफ से आप सभी को सर्टिफिकेट दी जाएगी तो केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब बात की सेंट्रल कमीशन की तरफ से आप सभी को फ्री में सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तो बात की जाए, अगर आप सभी स्टूडेंट हैं या फैमिली मेंबर है, अगर आप सभी किसी संगठन को ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे संगठन के व्यक्ति को डाउनलोड करा सकते हैं सर्टिफिकेट, वो भी फ्री में। वही बात की तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकास भारत की तरफ से आप सभी को इस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन के तहत आप सभी सर्टिफिकेट दी जा रही थी, चीज क्लियर हो गई होगी। अगर आप सभी सरकारी जॉब में जाते हैं तो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, कोई आप सभी दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं इसको कैसे आप सभी आवेदन करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कोई खास डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्यूमेंट की बात की तो अगर आप सभी संगठन के व्यक्ति होंगे तो आप सभी को पैन कार्ड या TIN नंबर अदर नंबर यहाँ पर बेसिक डिटेल्स फिलअप करनी होगी, संगठन का नाम, उसके बाद आप सभी यस नो पर टिक करने होगी, पुष्टि करेंगे, आप सभी आगे सबमिट करेंगे। नागरिक लोग की बात की तो सर्टिफिकेट अभी तक कितने डाउनलोड कर चुके हैं, 15,66,282 लोग अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं। वही बात की है संगठन की, संगठन के लोग कितने अभी तक डाउनलोड कर चुके हैं, 24,788 सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है अभी तक। जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत है विकसित भारत के तहत सर्टिफिकेट लॉन्च की गई है, सभी स्टूडेंट है फैमिली मेंबर है तो आप सभी इसको अप्लाई न करें, आप सभी एक नागरिक के रूप में आप सभी टिक पर करें, उसके बाद आपसे बेसिक डिटेल्स फिलअप करें, जैसे आप सभी नाम दी गई, सीरी अगर आप सभी मेल हो तो सीरी, अगर फीमेल हो तो श्रीमती कुमारी, ये सब यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी की बात की टाइटल है और डॉक्टर मास्टर मिस अदर में है तो अदर टिक करें, उसके बाद आप सभी इसमें नाम फिलअप करनी होगी। उसके बाद आप सभी को इसमें पैन कार्ड दी गई है, अगर आप सभी नहीं है पैन कार्ड तो पासपोर्ट साइज वोटर आई कार्ड, अगर आप सभी का आधार कार्ड है, अगर आप सभी इन सभी में से डॉक्यूमेंट कोई नहीं है तो आधार कार्ड यहाँ पर लिख देनी होगी। डॉक्यूमेंट क्या है तो आधार कार्ड यहाँ लिखना होगा, ठीक है ना, आधार कार्ड लिखेंगे वैसे ही आप सभी को यहाँ आधार नंबर आप सभी को फिलअप करनी होगी, बोला गया इंटर योर द कार्ड नंबर, अपने कार्ड नंबर फिलअप है। उसके बाद आप सभी को डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट करनी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है जो भी है आप सभी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर पिन कोड जो भी पिन कोड है अपना वो डालें, पिन कोड डालने के बाद आप सभी को स्टेट पूछा गया किस राज्य से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश बिहार चंडीगढ़ जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस राज्य को सिलेक्ट करनी होगी। जैसे बात की जाए गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं गुजरात सेलेक्ट करें, उसके बाद आप सभी बोलिए डिस्ट्रिक्ट कौन जिले से बिलोंग करते हैं, गांधीनगर की जामनगर की बात की जाए तो सभी डिस्ट्रिक्ट के नाम दिखे अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर, सूरत डिस्ट्रिक्ट से है तो आप सभी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी ईमेल आईडी जो भी ईमेल आईडी आपके पास है उस ईमेल आईडी को इसमें फिलअप करनी होगी, उसके बाद आप सभी मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करनी होगी। उसके बाद भाषा का चयन करने के लिए आगे बढ़े यहाँ पर प्रोसीड लैंग्वेज सिलेक्शन दी गई है, अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करें किस लैंग्वेज में आप सभी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, बंगाली की डोगरी इंग्लिश हिंदी जो भी आप सभी लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करें, हिंदी यहाँ दी गई, गुजराती इंग्लिश दी गई है तो सभी इंग्लिश ही लेते हैं सर्टिफिकेट, इंग्लिश में सर्टिफिकेट लीजिए। उसके आप सभी दी गई है प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाना आप सभी टिक करनी होगी, जैसे टिक करेंगे आप सभी को ऐसा इंटरफेस आएगी। जैसे बात की जाए तो आप सभी को डिक्लेरेशन कुछ आ रही है, आप सभी को डिक्लेरेशन में कुछ लिख कर आ रही है कि यहाँ पर आप सभी को ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाई देगा, आप सभी को नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है इंग्लिश में लिखा दिखा गया है। टू फॉलो द प्रॉपर्टी एंड द रूल द लॉ इन द गल्फ, आप सभी जो भी चीज़ है इसको फॉलो कर रहे हैं, अगर आप सभी चीज़ नहीं फॉलो कीजिएगा तो आप सभी को आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप सभी को चीज़ जो भी दी गई है इसको आप सभी भी मैंने प्रतिज्ञा ले ली मतलब इस चीज़ को मान लिया मैंने, तभी आप सभी इसको ठीक करेंगे, मतलब आप सभी क्लियर है। अब बात कीजिए आगे बढ़ेंगे, जैसे आप सभी को ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, अगर आप सभी की बात की है तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के प्रति समर्थन करने के लिए धन्यवाद, आप मतलब आपसे भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आप समर्थन में हैं गवर्नमेंट की। अब बात करते हैं इस जानकारी आप सभी को कैसे मिली, पूछी जा रही है वेयर डिड यू नो अबाउट दिस इंटीग्रिटी प्लेट, मतलब इंटीग्रिटी प्लेट जी के बारे में आप सभी कहाँ से जाने, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट से, कोई ऑर्गेनाइज से, कोई प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि वर्ड ऑफ द माउथ के मीडिया से, कि आप सभी डिजिटल मीडिया से, फैमिली फ्रेंड से, कि SMS ईमेल आईडी से। तो अगर आप सभी बात की जाए तो आप सभी किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं डिजिटल ही मीडिया सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी डिजिटल मीडिया से नहीं जाने हैं तो आप सभी इसको टिक कर सकते हैं। अगर आप सभी सोशल मीडिया पर देखते हैं तो सोशल मीडिया पर टिक करें, अगर आप सभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें
तो आप सभी गवर्नमेंट वेबसाइट पर टिक करेंगे। तो मैंने अभी डिजिटल मीडिया पर सिलेक्ट करनी होगी। अगर आप सभी सर्टिफिकेट लेनी हो तो डिजिटल मीडिया पर सिलेक्ट कर लिए, तब आप सभी को मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी, इंटर द OTP नंबर। तो OTP मेरी आ गई है, अभी तक इसको सबमिट करते हैं। जो देखिए जाओ OTP मेरी 1 2, तो मैंने अभी फाइनली OTP सबमिट कर दिया। वैसे आप सभी को ऐसा सर्टिफिकेट दिखने को मिलेगा। अगर आप सभी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो देखी जाए, तो अगर आप सभी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्रमाण पत्र अपने मोबाइल नंबर पर भेज सकते हैं। मतलब अगर आप सभी ईमेल आईडी दिए, उस ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आप सभी को सर्टिफिकेट चली जाएगी, वहाँ से आप सभी प्रिंट कर सकते हैं। अब बात की गई है प्रमाण पत्र अपने ईमेल आईडी भेज सकते हैं, इसको भी ईमेल आईडी भेज सकते हैं, उसके साथ में आप सभी प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट देखिए इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैंने अभी डाउनलोड कर लिया, इसको ओपन भी कर दिया आप सभी को दिखाने के लिए। तो आप सभी जैसे अभी खुल रही है, तो यही सर्टिफिकेट है मेरे नाम से, और आप सभी समझ गए होंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की तरफ से सर्टिफिकेट मिली है। तो शायद समझ, अगर आप सभी प्रतिज्ञा डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी कर सकते हैं, तो बहुत इजी तरह से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सभी डाउनलोड करना चाहते हैं तो शायद आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आप सभी को वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, मेरे चैनल पहली बार होइएगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस तरह की अपडेट मिलती रहेगी। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।